हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्स अकेडमी। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे इतिहास के अंतर्गत। तो ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमने पार्ट 4 में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बात की थी, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी। उसके बाद जिन्ना के जो 14 सूत्रीय मांगे थे उसको हमने देख लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन नहीं हुआ, उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण और सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता जो 1932 में हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, उसको हम देखेंगे। क्योंकि ये 4-5 पॉइंट या टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ये कोर पॉइंट है जिस सीरीज को हम चला रहे हैं, जहां से वो कोर पॉइंट है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि पुर्तगाली कब आए थे, ये सब टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, अब कोर पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के सारे वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्रैश कोर्स मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, इसका ये पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसका पहला चरण यानी ये 2 फेज में चला था। पहला चरण चला, उसके कुछ समय पश्चात इसको रोक दिया गया, फिर कुछ समय के पश्चात दूसरा चरण इसका प्रारंभ किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 में हुई थी। देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह के जो कलर के जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अलग अलग कलर से लिखा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के दांडी मार्च के साथ हुई थी। गांधी जी के दांडी मार्च के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह मुख्य रूप से नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट के पर स्थित एक गांव था जिसका नाम था दांडी, वहां पे इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। यानी नमक बनाकर इस नमक कानून का उल्लंघन किया एक तरह से, या फिर कह दीजिए कि भंग किया इस कानून को। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ये महात्मा गांधी के साथ थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन एकमात्र अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में शामिल थे? तो उत्तर होगा वेब मिलर। अगला पॉइंट, नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। यानी मुख्य नेतृत्व के रूप में पहले महात्मा गांधी जी थे, उसके बाद जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो कानून का एक तरह से कानून को तोड़े थे, एक तरह से ब्रिटिश के अगर लैंग्वेज में कहें तो कानून का उल्लंघन किया था, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अब्बास तैयब उनका स्थान ले लिया, प्रमुख नेता के रूप में देखे गए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना की थी वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तक की थी। नेपोलियन के जो अभियान चल रहे थे विश्व विजेता के रूप में, तो उस अभियान से एक तरह से तुलना की इस नमक सत्याग्रह की। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ की। यानी देश के और भूभागों में और क्षेत्रों में इस नमक कानून तोड़ने की जो सत्याग्रह थी ये प्रारंभ हो गई। मालाबार में वायक्रम सत्याग्रह के नायक के कलप्पम ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। तो यहां पर देख लीजिए मुख्य मुख्य जो क्षेत्र हैं वहां पर लोगों ने नमक सत्याग्रह कह सकते हैं या फिर वायक्रम सत्याग्रह, जो जो नाम दिया गया उस प्रकार से इस नमक कानून को तोड़ने के लिए अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाया। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतकार संगठन, याद रखिएगा खुदाई खिदमतकार संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसको देखा जाता है या स्थापना के रूप में, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतकारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, यानी इनका जो उपनाम था खुदाई खिदमतकार जो संगठन था उसका उपनाम था लाल कुर्ती संगठन। गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। यानी इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यानी दांडी मार्च के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट था, क्योंकि बहुत सारे रेजिमेंट बनाए गए थे तो उस रेजिमेंट के अंतर्गत भारतीय सेना भी शामिल थी, ब्रिटिश के साथ साथ अंग्रेजी सेना के साथ, उसी अंग्रेजी सेना में भारतीय के लोग जो थे, भारतीय सिपाही जो थे वो भी शामिल थे, उसी का हिस्सा थे। तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी वहां की जो टुकड़ी थी वो जो
निहत्थी भीड़ थी जो जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भाग लिया था, उस भीड़ पर क्योंकि उनके पास हथियार होते नहीं थे, वो मतलब अहिंसा को एक तरह से उद्देश्य बनाते थे क्योंकि गांधी जी से प्रेरित थे, गांधी जी के विचारों से। तो उस निहत्थी भीड़ पर ये रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी ये गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। तो एक तरह से सिपाही में भी ये विद्रोह देखा जा रहा था। मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो याद रखिएगा मणिपुर जैसे क्षेत्रों में भी जनजाति समाज के जो लोग थे वो भी इसमें हिस्सा लिए थे। मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी गेंडलियो ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। तो याद रखिएगा मणिपुर के साइड में जो नागा एक जनजाति थी वहां पर गेंडलियो नाम की एक लड़की थी, उन्होंने इस अपने साथियों के साथ मिलकर इसमें भागीदारी निभाई। बाद में इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू रानी गेंडलियो के नाम से यानी रानी की उपाधि इनको देते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिकलाल ने के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मूठ वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। नहीं, धरसना में इन तीन लोगों ने एक तरह से नेतृत्व किया है अपनी लोगों का, अपने इस आंदोलन का, लेकिन वहां पर पुलिस जो है वो निहत्थी भीड़ पर मूठ वाली जो लाठियां होती हैं उससे बुरी तरह से हमला कर दिया। अमेरिकी पत्रकार मिरल ने धरसना संघर्ष को स्वयं देखा था, यानी इन्होंने अपने पत्रों में भी इसको लिखा था और इन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। तो वो अमेरिकी जो पत्रकार थे उनका नाम था मिलर। महिलाओं ने सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस बन सकता है वन लाइनर में या फिर सेंटेंस वाइज में, कि निम्न में से कौन कौन सी घटनाएं या फिर कौन कौन से कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखे गए। तो याद रखिएगा महिलाओं ने इस बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी संपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया। इसके अलावा असम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। तो असम में भी जो है छात्र आंदोलन चला रहे थे। उसके अलावा पूर्वी भारत में कर न देने और लगान न देने संबंधी भी आंदोलन चलाए गए। यानी सविनय आंदोलन मात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, सिर्फ दांडी मार्च नहीं था, इसके साथ साथ बहुत सारे जो विचारधाराएं या फिर आंदोलन थे वो जुड़े हुए थे, इसके साथ एक अलग के रूप में देखे जा रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, आईएएस में इससे क्वेश्चन बन गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से कौन कौन थे। तो लड़कों और लड़कियों की जो गठन थी या उनका जो संगठन था, उनकी जो एक टुकड़ी थी वो वानर सेना और मंजरी सेना के रूप में देखी जा रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावनाओं के संबंध में विचार विमर्श किया जा सके। तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू इनको भी यदरवा जेल में बंद किया गया गांधी जी के साथ। गांधी जी ने यदरवा जेल को मंदिर का नाम दिया था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदरवा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। इसके बाद अगले नंबर पर आता हूं 1931 का गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू, ये है सप्रू है ये समर नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग जो थी वो मान ली। तो याद रखिएगा जो गांधी इरविन समझौता था मुख्य रूप से इसको देखा जाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति के रूप में या उसके एक तरह से समापन के रूप में। इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी कांग्रेस जो है राजी हो गई थी, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि पहले गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको देखेंगे। इसके बाद सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। तो याद रखिएगा किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है को मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को कराची में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके बाद कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित भी एक प्रस्ताव पारित किया। तो यहां पर देख लीजिए मौलिक अधिकारों की जो एक तरह से मांग थी या फिर एक प्रस्ताव था वो कराची अधिवेशन में देखने को मिलता है। अब अगले नंबर पर आता है गोलमेज सम्मेलन। यहां से क्वेश्चंस बन चुके हैं और बनने की संभावनाएं रहती हैं। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की। यहाँ देखिएगा, अंबेडकर एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो रेमजे मैकडोनाल्ड था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कौन कौन थे, या पूछ सकता है इस तरह से कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन थे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के और उससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे और भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। याद रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने इस दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसी के कारण, इस विरोध के कारण ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल हो गया, क्योंकि गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो गया। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इसी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही 1935 के अधिनियम की रूपरेखा रखी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान या किस गोलमेज सम्मेलन के तहत 1935 का जो अधिनियम था उसकी रूपरेखा रखी गई थी। तो वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में चलता है। इसके बाद स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपने देखा था कि जो मांगे थी कांग्रेस की, जो मांगे थी वो मानी नहीं जा रही थी, और इसके अलावा जो भीमराव अम्बेडकर थे ये पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए मांग कर रहे थे, जो कि कांग्रेस को या फिर इस तरह कह लें कि गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। तो इस वजह से दोबारा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाता है। तो 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत की हुई, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के जो सारे महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो नेतृत्व करने में कोई नहीं रहेगा, तो भीड़ जो है या फिर जो आंदोलन है वो एक तरह से दब जाएगी, लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि जब तक नेता नहीं रहता किसी भी आंदोलन का तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना, उनके अंदर उत्साह बना नहीं रहता। इसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो आंदोलन को समाप्त करना और एक आंदोलन को वापस लेना। वापस लेने का मतलब होता है कि कांग्रेस प्रस्ताव के द्वारा, कांग्रेस की जब बैठक होती है या फिर उनका उनकी जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें एक कागज के द्वारा इन जो इनके आंदोलन चलाए जाते हैं इसको वापस लिया जाता है आधिकारिक रूप में। लेकिन समाप्त करने का मतलब अब नेता के रूप में कोई देखने को नहीं मिलता। तो ये होती है दो पॉइंट, 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया एक वर्ष के पश्चात। तो ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, जिसमें हमने एक देखा सविनय अवज्ञा का आंदोलन का पहला चरण, दूसरा चरण गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। अब हम आगे देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। तो देखिए, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता 1932, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मतलब जो दलित थे उनको हिंदू वर्ग से अलग कर दिया गया और उनको एक अल्प वर्ग, अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उनके वर्ग में शामिल किया गया, और इस वजह से उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो ये एक तरह से आघात था कांग्रेस के लिए या फिर कह लें गांधी जी के लिए। इसके पश्चात दलितों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। याद रखिएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, गांधी जी इससे जो है राजी नहीं थे, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसकी वजह से मुख्य रूप से घटना ये देखी जा सकती है, बाकी चीजें भी थी लेकिन इसकी वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक तरह से समाप्त हो गया, उसकी जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए, गांधी जी ने उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के चले आए। इसके बाद वो यहां पर आकर जब ये पृथक निर्वाचन मंडल जो था दलितों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, तो वो पारित कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी अमरण अनशन पर सितंबर 1932 में बैठ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, दलितों को पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र था वो दिए जाने के विरोध में। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, एम सी राजा, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से, ये चार लोग ऐसे हैं जिनका नाम से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन चारों के प्रयास से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ,
जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सांप्रदायिक पंचायत एक तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो दलितों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, वही एक प्रकार से सांप्रदायिक पंचायत थी जिसकी घोषणा की गई थी। लेकिन इसी के विरोध में, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में एक तरह से पूना समझौता किया गया। तो ये जो था, ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ 26 सितंबर 1932 को। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, जो उनकी जो सुरक्षित सीटें थी दलितों के लिए, वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधान मंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। तो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उन क्षेत्रों को समाप्त करके जो जो विधानमंडल थे प्रांत के अंतर्गत, उनके अंतर्गत जो सीटें होती थी उनमें दलितों के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधानमंडलों में भी जो उनकी सीटें थी उसमें भी संख्या बढ़ा दी गई। तो बन सकता है, तो प्रांतीय विधानमंडल में 71 से 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में उन सुरक्षित सीटों की संख्या में लगभग 18% की वृद्धि कर दी गई। तो ये थे सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता 1932 का। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन जाएगा कोर पॉइंट से। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन के बारे में, त्रिपुरा जो संकट था 1939 का, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, वेबल योजना, सिमला योजना, 1945 का जो चुनाव हुआ था, नौसेना विद्रोह जो हुआ था 1946 में, इसके साथ साथ हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे 1946 का, संविधान सभा के लिए चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन और सबसे लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून की योजना कही जाती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, अगर आप अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।